वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं अपने इस चैप्टर के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए। तो सबसे पहले हमने कवर किया था एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट। लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंस, इनकम, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। आज के टॉपिक में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कॉस्ट, गेन, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ये हम आज के टॉपिक में करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं स्टॉक, उसके सब पॉइंट, लॉस, प्रॉफिट, वाउचर, डिस्काउंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रन, इसे हम लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि शुरू हो रहा है कॉस्ट से। इन अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट रेफर टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सर्विस, लेबर एंड प्रोडक्ट। अकाउंटिंग में कॉस्ट उसे कहा गया है जब बिजनेस में जो खर्चा होता है रॉ मटेरियल पे, उस रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने के लिए कुछ मशीन खरीदनी पड़ती है, कुछ सामान खरीदना पड़ता है, सर्विस, लेबर, प्रोडक्ट, तो इन तरीके के खर्चे जो होते हैं बिजनेस में उन्हें कॉस्ट कहा गया है। आई होप आपको पहली डेफिनेशन समझ में आई होगी। सेकंड डेफिनेशन है गेन। अ गेन इज अ जनरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी। जब किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो उसे गेन कहते हैं। अगेन अराइज इफ द करंट प्राइस ऑफ समथिंग इज हायर देन द ओरिजिनल परचेस प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस हायर हो गया जो हमने खरीदी थी पर उसके परचेस प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर हो गया, तो वो एक तरह का गेन है। परचेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। परचेस इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। परचेस हो गया कि बिजनेस भी कई बार क्या होता है परचेस करता है, जब बिजनेस ने पूरा स्टॉक एक बार परचेस कर लिया, काफी सारा सामान परचेस कर लिया, इसलिए उसे इन फ्यूचर में बेचने के लिए, तो वो एक तरह की परचेज है। क्या है वो? परचेज है। सेल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल्स रेफर टू एनी ट्रांजैक्शन वेयर मनी और वैल्यू इज एक्सचेंज फॉर द ओनरशिप ऑफ गुड्स और एंटाइटलमेंट टू अ सर्विस। सेल्स एक तरह का एक्सचेंज है ओनरशिप में गुड्स की और किसी सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल हमारी बिजनेस में से गुड्स एंड सर्विस किसी ग्राहक ने, किसी कस्टमर ने परचेज कर लिया, उसके बदले उसने हमें पैसे दे दिए, तो ये क्या होता है? ये सेल्स होता है। इसमें एक्सचेंज होता है, क्या कहते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेल्स रेफर टू एनी ट्रांजैक्शन वेयर मनी और वैल्यू इज एक्सचेंज फॉर द ओनरशिप ऑफ अ गुड एंड एंटाइटलमेंट ऑफ टू अ सर्विस। आइए अब पढ़ते हैं परचेस रिटर्न की डेफिनेशन। अ परचेस रिटर्न होकर व्हेन द बायर रिटर्न द गुड्स टू द सेलर फॉर एनी रीजन। अनदर नेम ऑफ परचेस रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड्स। सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न होकर व्हेन द कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव, डैमेज और अदरवाइज अनडिजायरेबल प्रोडक्ट टू द सेलर। इसको एक डेफिनेशन, इसको एक एग्जांपल समझते हैं ताकि एग्जांपल से आपको ये और अच्छी तरह की समझ आएगा। तो ये एक बिजनेसमैन है, ये कस्टमर है और ये सप्लायर है। क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए सप्लायर से सामान लिया, पर जब ये सामान अपने बिजनेस में लाया तो उसने देखा कि इसमें कोई तरह के ना डिफेक्टिव पीस है या एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट है, तो उसने वो सामान सप्लायर को वापस कर दिया। तो इस तरह का जब बिजनेसमैन ने सप्लायर को सामान वापस किया, तो वो आएगा परचेज रिटर्न के अंदर, जिसकी डेफिनेशन है परचेज रिटर्न होकर व्हेन द बायर रिटर्न द गुड्स टू द सेलर फॉर एनी रीजन। अनदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। तो इस तरह की रिटर्न को हम परचेज रिटर्न कहेंगे। अब एक उसका दूसरा सेल्स रिटर्न को समझिए। जब कस्टमर ने बिजनेस से गुड्स लिया और बाद में उसने घर पर जाके देखा कि ये गुड्स डैमेज है, डिफेक्टिव है, और वो गुड्स को वापस करने आ गया बिजनेस में, मतलब कि अपने जहां से उसने परचेज किया था, कस्टमर जब वापस करने आ गया गुड्स को, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आओगा कि परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न वो जब बिजनेस ने किसी से सामान खरीदा, कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीदे, उसको वापस कर दिया, किसी रीजन कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न उसे बोलते हैं जब कस्टमर ने कुछ सामान खरीदा और उसने जहां से सामान खरीदा था वहां पे उसको वापस कर दिया, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आएंगे। डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे मैंने लिख रखी है, नहीं तो आपकी बुक में कोई और डेफिनेशन आप वो भी लिख सकते हैं। समझने से मतलब है कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।